टॉम रेडर के पिछले एपिसोड में आपने देखा, इस बंदे को ना चाहते हुए भी इसके साथ ट्रैकिंग पर जाना पड़ा। ये बंदी चलते हुए हर दो मिनट में गिर जाती थी। उस बंदे का बड़ा खुशी हुई थी उस बंदे को कि भाई गिरेगी अब मरी, पर ये मरती नहीं थी, किस तरह बच जाती थी। अब जब बच गई है तो उस बंदे को बचाना ही पड़ता था, क्योंकि वो जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको अभी आई बटन में दिख जाएगा लिंक, जाकर देखो, फिर ये देखने ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वापस चलते हैं वीडियो पर। तो ट्रैक करते हुए ये बंदी चल गई पहाड़ की चोटी पे, इसको जाना है, इसने अब से आप जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करी। उस बंदे ने एक जगह साइड में आके बोल दिया, आ मेरे पैरों के बाल टूट गया तो मुझे बड़ी कमजोरी से हो रही है, तू चली जा बहन। तो ये कहती है ठीक है सच में दर्द हो रहा होगा। तो ये किस तरह छत पर पहुँचती और सच में किस तरह पहुँच के वहाँ देखती कि भाई महल तो है, मेरी फीलिंग सच बोल रही थी। हाय गाइस, मैं हूं शिनोबी, आ गया हूं अपनी नई वीडियो लेकर। आपको पता है कि मेरी वीडियोस होती है मस्त ज़बरदस्त, और तीसरा वर्ड मेरा मैचिंग में कुछ आ नहीं रहा है तो वो आप खुद ही ऐड कर लेना। और दोस्तों क्या चल रहा है, हाँ तो वापस आते हैं यहाँ पे। अब ये बंदी ऊपर पहुँच चुकी है, ये तो इतनी खुश थी, लेकिन उसी वक्त इसकी ज़िंदगी में थॉर ने बोला कि मैं आ रहा हूँ। और ये बंदी बोलती है, ओ मोरी मैया जेक का कह दो। ये एक्सप्रेशन उस लड़के का बिल्कुल फिट था, सबसे ज़्यादा दुनिया में वही खुश होगा। इतनी उदक फुदक के तो तू मेंढक की तरह ऊपर जा रही थी, है दो मिनट रुक के अगर तू वहाँ पैर वैर टिका लेती तो कुछ दिक्कत हो जाती, अब तेरे को मैं खींचूँ। मोमोज खा खा के तो तेरा वजन बढ़ गया, ऊपर तो खींचनी। वो कहती भाई मुझे झूला झुलाओ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी भैया। तो वो कहते चलो भाई बहन तू ऐसे कर ले, कहीं भी चले जा, मेरे मत्थे से उतर जा बस, मैं तेरे को और ढोना नहीं चाहता। तो इसने भाई से शुरू किया झिंगा लाला करके इसको आगे पीछे घुमा रहा है कि बंदी पहुँच जाए। अब देखते हैं ये बंदी क्या करती है, खेलती रहेगी ये पहुंच पाएगी। भाई हाउसफुल में अक्षय कुमार था ना, वो भी इतना बैड लक लेके आई थी बंदी, जहाँ हाथ डालती वो दीवार ही टूट जाए, मतलब जहाँ वो करे वो बंदी ख़त्म हो जाए, ऊपर चढ़ने लगे पहाड़ टूट जाए, खुद चलने लगे ज़मीन खिसक जाए। चलो फाइनली पहुँच ही गई। अब ओ भाई इसको मेरी बात बुरी लगी, ज़्यादा ही तेज़ भागने लगी, क्या हो गया, अरे भाई थम जा। पर तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है, इस बंदी को जल्दी पहुंचना है। और इसने ऊपर देखा कि ये कुछ हुआ है, और इसको देखा कि सारी मूवीज में पता ही है इसमें क्या होने वाला है, जान बचा के भागो वरना तुम्हारा कब्र यही दब जाएगा। तो ये बंदी कहती है भैया तुम वहीं टिके रहना, मैं भाग रही हूँ, कहीं टिकती हूँ कहीं जहाँ जगह मिले। तो अपनी जान बचाने के लिए बंदी भाग रही है। तब तक के लिए आपको बता देता हूँ, जब तक ये बंदी साइड में किसी कोने कोपचे में पहुँचती है टिकने के लिए, जिस स्पीड से भाग रही है तो मुझे लग रहा है इतने में जल्दी तो घर ही पहुंच जाएगी ऑटो ऑटो पकड़ने से पहले ही। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर डालो, क्योंकि सब लोग जो आप देख रहे हो बाकी लोग देखें तो अच्छा लगेगा ना, चार लोग बातें करेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, यही तो चाहिए। और जिन लोगों ने नया सब्सक्राइब करा है उन सबको थैंक यू, आप लोगों को आई होप वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। और जिन लोगों ने नहीं करा है यार कर लो ना, क्या जा रहा है तुम्हें, ऐसे छुप छुप के मेरी वीडियोस देखते हो, शर्म नहीं आती, एक गलत बात है ना यार, बताओ मैं देखूं यार मेरी लोग वीडियो देख रहे हैं, मज़ा सा आया मुझे भी, काउंट बढ़े तो मज़ा आए। कमेंट करो तुम्हें कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगता है। ये बंदी अभी तक भाग रही है जल्दी जल्दी क्योंकि इसकी जान पे बनाई है, और बंदी भाग बहुत बढ़िया तरीके से रही है। देखने वाली बात यह है सर्दी का मौसम बहुत बढ़िया वाला है, लेकिन ये बंदी फिर भी कपड़े बहुत कम पहन गई है, दो जैकेट में निपट के आ गई है, इससे तात्पर्य यह पता चलता है बंदी दिल्ली से है, एवलांच से नहीं बच पाई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ हमें। और हर मूवी की तरह क्या होगा, अभी बंदी पहुँची है कहीं गिर पड़ के, तो अब हम सोचेंगे मौत के आखिरी पड़ाव में से याद आएगा कुछ वक्त पहले, कितना वक्त बताओ भाई, दो हफ्ते पहले इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये मरने पिटने के लिए यहाँ पे आ गई कि इसको पहाड़ पे भाई महल में जाना है, इसे कैसे डाला। तो ये बंदी फॉरेन का स्टाइल है भाई, बारिश के मौसम में छतरी लेके नहीं जाते, जैकेट पे हुडी डाल लेते हैं, वो गीली नहीं होती है, फॉरेन का स्टाइल है। तो यहाँ पे एक बुड्ढा आदमी है जिसकी वॉइस है, वो एक स्टोरी सुना रहा है कि भाई ऐसा ऐसा जैसे वो किसी कोई चीज़ की रिसर्च कर रहा था, और जहाँ तक जिस तरह जा रहे हैं तो, और जिस तरह का हमारा ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है टॉम रेडर का, मतलब कुछ पुरानी पुरातात्विक महल वहल का कुछ ढूंढने ढूंढने का है। अब इस फोटो में दिख भी रहा है ये बीच वाली फोटो में कि कहीं झरना ढूंढा, ओ भाई ये कौन सा बाबा है, तांत्रिक बाबा है ना, मेरे को पापा तो नहीं गए, और ये पता नहीं फैंसी ड्रेस की लड़की होगी कोई। तो इसके पापा ने
बेसिकली कुछ ढूंढ लिया है। हाँ स्पॉइलर, ये इसके पापा की आवाज़ है, इसने कुछ ढूंढ लिया है। तो वो बस बता रहा है कि मैंने कुछ एंशियंट वेंशियंट कुछ ढूंढ लिया है, लेकिन कोई ग्रुप है जो हमें रोकना चाहता है, जो हर वक्त लड़ाई करना चाहता है, अपनी सुप्रीमेसी रखना चाहता है कि भाई सब लोग लड़ते रहेंगे तो हम ही राज करेंगे, उनका नाम है ट्रिनिटी। तेरी नीति मेरी नीति नहीं, ट्रिनिटी। उसके पास एक ही टेंशन है कि भाई इन सब भसड़बाजी में मेरा घर को कुछ ना हो जाए। तो ये कौन आता है एकदम से? एक मिनट, लड़की तो अब घुसी है, मतलब कोई बंदा घुसा हुआ है। ओ ओ ओ, कहीं से टपका तो नहीं देगा? इस बंदे की खुद की जिस हिसाब से हालत हो रही है डर के मारे, मुझे लग रहा है कि इसको लग गया है, इसका पीछा कोई कर रहा है या कुछ है। या तो वो बंदा खिड़की से भाग गया है या खिड़की से ही अंदर आया था। जो भी है, बंदे की हालत तो पतली लग रही है, और शायद इसको कोई दिख गया है या नहीं दिखा। चलो बंदे को आगे कि भाई कोई नहीं है, बाल बाल सेट करके मैं थोड़ा हेयर ड्रायर लगा देती हूँ। उतने में इसको दिखता है, आवाज़ आती है कि भाई ये टेप रिकॉर्डर कौन चला के चला गया, वैसे बिजली कट हो रही है और ये बिजली फूक रहे हैं फालतू में। ये लोग लैपटॉप वैपटॉप बंद भी नहीं करते हैं, देखने वाली बात है। बंदी ने कर दिया बंद। अब बैठती है, चलो भाई आराम से बैठती हूँ। कोई तो आवाज़ आई है इस बंदी को, कहीं इसको मारने के लिए तो नहीं आ गए, कुछ पता हो। अब बचेगी नहीं बचेगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। हाँ तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट उससे पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लो, फ्री में देखने में मज़ा नहीं है। तब तक के लिए शिनोबी आउट।